अपने YouTube चैनल अल्टीमेट लोको पायलट के द्वारा असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब की सैलरी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। अभी दो रिटन एग्जाम कंडक्ट हो चुके हैं, साइको एग्जाम अभी बाकी है। साइको एग्जाम के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को A1 कैटेगरी के मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपको डिवीजन के अंदर लोबीज में डिवाइड किया जाएगा, जहाँ पर आपकी अपॉइंटमेंट होनी है। अभी आपको मैं जोन और डिवीज़न और लोबी के बारे में बताऊंगा। इंडियन रेलवे के अंदर 17 जोन है, जिस जोन के लिए आपने अप्लाई किया था। जोन को फर्दर डिवीजन्स में डिवाइड किया हुआ है और डिवीजन्स को लोबी में। जैसे नॉर्दर्न जोन, NR नॉर्दर्न रेलवे, ये जोन है। इस जोन के अंदर 5 डिवीजन्स हैं, दिल्ली, अम्बाला, फिरोजपुर, लखनऊ, मुरादाबाद। दिल्ली डिवीजन के अंदर 14 लोबीज हैं। अगर आपको दिल्ली डिवीजन मिलता है तो आपको इन 14 लोबीज में से किसी एक लोबी पर अपॉइंट किया जाएगा। अब बात करते हैं असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी की। किसी भी न्यू अपॉइंटेड असिस्टेंट लोको पायलट को पहले अप्रेंटिस ALP की पोस्ट के लिए ज्वाइन करवाया जाएगा। अप्रेंटिसशिप यानी ट्रेनिंग के दौरान आपको बेसिक पे प्लस में DA, वही आपको सैलरी मिलेगी। और जो ट्रेनिंग है आपकी वो 8 से 10 महीने के बीच में होगी, तो उस दौरान आपको बेसिक पे प्लस में DA, वही आपकी सैलरी मिलेगी। और जब आप ट्रेनिंग के बाद असिस्टेंट लोको पायलट और आपको परमानेंट लोबी मिल जाएगी, तो आपकी सैलरी कुछ इस प्रकार होगी। हमारा बेसिक पे असिस्टेंट लोको पायलट का 19,900 रहता है। अगर अभी DA 3% इंक्रीज हुआ है तो मैंने अप्रोक्स 10% DA लिया है। उसके बाद होता है हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस 3 सिटीज़ में डिवाइड किया हुआ है, XYZ, 8, 16, 24%। फिर आता है ट्रेन अलाउंस, ये 980 रुपीज़ या 81 रुपीज़ पर मंथ फिक्स है। फिर नेशनल हॉलीडे अलाउंस, अगर आपको किसी नेशनल हॉलीडे वाले दिन वर्क करते हो तो आपको 384 रुपीज़ पर नेशनल हॉलीडे के रूप में मिलेंगे। उसके बाद नाइट ड्यूटी अलाउंस, आपको रात के 10 से सुबह के 6 बजे के बीच तक एक नाइट ड्यूटी काउंट होती है, तो आपको एक नाइट ड्यूटी के 180 रुपीज़ पर नाइट के हिसाब से मिलेंगे। लीव अलाउंस, यदि आप किसी दिन छुट्टी लेते हैं तो छुट्टी वाले दिन आपको 80 रुपये एक्स्ट्रा मिलेंगे जिस दिन आप छुट्टी लेते हो। सेल अलाउंस, ये आपको 105 रुपीज़ फिक्स है ये पर मंथ के हिसाब से। उसके बाद मेजर फैक्टर, इसमें क्या है असिस्टेंट लोको पायलट की जो सैलरी में मेजर फैक्टर है, किलोमीटर अलाउंस, जिसे माइलेज भी बोलते हैं। पुराने रेट के हिसाब से देखिए तो ये 1 किलोमीटर के लिए आपको 1.8481 रुपीज़, यानी 1 किलोमीटर के 1.81 रुपये अलग से मिलेंगे। ये अपनी सैलरी से अलग होते हैं। और ये जो किलोमीटर होते हैं ये हर लोबी के अलग अलग होते हैं, क्योंकि लोबीज की बीट होती हैं, तो लोबीज के हिसाब से किलोमीटर भी पर मंथ आपके अलग अलग निकलते हैं। मान लो कोई छोटी लोबी है जहाँ जिसकी बीट छोटी है, तो आपको वहाँ पर एवरेज 5,000 पर मंथ किलोमीटर मिल जाते हैं, तो 5,000 किलोमीटर के आपको 9,050 रुपये मिलेंगे। और अगर आपकी कोई लोबी है जिसकी बीट बड़ी है, तो वहाँ पर आपके एवरेज 10,000 किलोमीटर निकल आते हैं पर मंथ, तो उसके हिसाब से आपके 18,100 रुपये बन गए। और ये जो रेट्स मैंने बताए हैं ओल्ड किलोमीटर रेट्स हैं, अभी न्यू किलोमीटर रेट्स अनाउंस होने बाकी हैं, क्योंकि 7th पे कमीशन के बाद हमारे किलोमीटर रेट निकले नहीं हैं, तो उसमें पूरी संभावना है कि आपको 1 किलोमीटर के 4 रुपीज़ मिलेंगे। उसके हिसाब से आपके 10,000 से 20,000 रुपये एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी पर मंथ। ये जो किलोमीटर रेट्स हैं जिसको मेजर फैक्टर बोलते हैं, क्योंकि कोई और जितनी भी अदर पोस्ट हैं, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो,
उसमें आपको डीए मिलता है डीएनएस अलाउंस, एचआरए मिलता है हाउस रेंट अलाउंस, नई ड्यूटी भी मिलती है, लेकिन इसमें हमें माइलेज मिलता है ये टीए की जगह मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंस, जो ऑल अदर जो पोस्ट है उनको टीए मिलता है, तो हमें टीए की जगह इसको हम किलोमीटर अलाउंस बोलते हैं, हमें किलोमीटर अलाउंस मिलता है। तो ये जो मेजर फैक्टर है, जो अपनी जो सैलरी है किसी और अदर डिपार्टमेंट से हमें ज़्यादा मिलती है। अगर कम्युलेटिव रूप से देखें तो एक असिस्टेंट लोको पायलट की सैलरी 34,000 मिनिमम है, जिसको हम कम से कम मान सकते हैं, और 47,000 या 50,000 के आसपास तक पहुंच जाती है। और जब नए रेट आ जाएंगे किलोमीटर के माइलेज के, तो हमारी सैलरी में 10,000 से 20,000 रुपये पर मंथ का इजाफा हो जाएगा। सुनने में हमें सैलरी ठीक ठाक लगती है, क्योंकि हमारी सैलरी अगर 34,000 और 47,000 की एवरेज देखें तो हमें 40,000 रुपये आसपास हमें सैलरी मिल जाती है, कि और अदर डिपार्टमेंट्स की तुलना में ये सैलरी थोड़ी ठीक ठाक है। इसका कारण है किलोमीटर रेट्स, लेकिन हमारी जो ड्यूटी होती है असिस्टेंट लोको पायलट की वो थोड़ी टफ होती है, क्योंकि इसमें नाइट ड्यूटीज़ होती हैं और एक रनिंग जॉब होती है। हमें अपने घर से दूर आउट स्टेशन पर गाड़ी लेके जानी होती है, वहाँ पे रेस्ट करना होता है, फिर वापस घर पे। अगली वीडियो में मैं आपको असिस्टेंट लोको पायलट की जॉब शेड्यूल, वर्क एंड ड्यूटीज़ के बारे में बताऊँगा कि किन किन कंडीशंस में ALP को वर्क करना पड़ता है, उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ रहती है। तो आप मेरे YouTube चैनल अल्टीमेट लोको पायलट को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।